समाज सेवा एजुकेशन ट्रस्ट जो आप एक एनजीओ खोले हैं, आप इतनी कम उम्र में इस तरह का एनजीओ जो दावन था में युवा नेता कहला रहे हो सद्दाम भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पे देखने को मिला कोई एक ये कम उम्र में आज पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभालने की हिम्मत रखता हो, और आगे चल के किस तरह का क्या सोच होगी इसके बारे में बताइए। जैसे कि मुझे जिस तरीके से युवा भाई का हमारे साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और हमारे बड़े भाई आबिद भाई हैं, बहुत सारे से लोग हैं, जिस तरीके से मुझे बाहर से भी अब सपोर्ट मिलने लगा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों का मैं जब मदद करता हूँ वाकई मुझे बहुत खुशी होता है, और चाहे शासन हो या प्रशासन हो, मैं हर तरीके से मैं लोगों की मदद करता हूँ। और जो भी पढ़ना लिखना या किसी भी प्रकार से कोई गरीब है, लाचार है, शादी विवाह ऑपरेशन या किसी का हाथ पैर कटा हुआ है, सबका मैं काम कर रहा हूँ, और मैं लाखों काम कर चुका हूँ अभी इस वक्त में। काम में किस किस तरह का काम है, आप जरा इस एनजीओ के बारे में थोड़ा डिटेल दीजिएगा। काम इस तरीके से, जो गरीब है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उसकी मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, जो दवा पैसे वजह से दवा नहीं करा पा रहा है, तो पैसे वजह से ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, तो उसका मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ। और बाकी हर दिशा में ठंडी आ गई है, गरीब है बहुत सारे हैं जिसका छुट्टा छुट्टा है, उसका मैं घर बनाने का काम कर रहा हूँ, जाति छुट्टा जो भी मुझसे हो रहा है काम कर रहा हूँ, हर तरीके से हर दिशा में काम हो रहा है। सब समाज का काम होता है, यहाँ कोई जात धर्म ऊंच नीच किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, सर्व समाज को लेकर चलना मेरा कार्य है।